हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज का यह वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, अब जिसमें हम लोग जानेंगे कि धर्म क्या है। फ्रेंड्स, धर्म को मैं जितना समझ पाया हूँ और जितना मुझे लगता है, मेरी सोच है ये कि धर्म क्या है, तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो धर्म जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप जिस पद पर हैं, जिस जगह हैं, आप ईमानदारी से यदि अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो आप समझिए धर्म के सच्ची पालन कर रहे हैं, और वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप एक पुत्र हैं और पूरी शिद्दत के साथ अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो आप समझिए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। यदि आप एक बहू हैं और अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझ करके उनकी सेवा कर रही हैं तो आप समझिए ईश्वर की आराधना कर रही हैं। और यदि आप एक सास हैं और आपके घर में बहू है, उसको बेटी का दर्जा आप दे रही हैं, तो आप समझिए कि आप ईश्वर की आराधना कर रही हैं। आप एक भाई हैं, आप एक बाप हैं, तो यदि आप पिता हैं तो पिता के कर्तव्यों को निभा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अपने छोटे भाइयों को, अगर भाई हैं तो अपने छोटे भाइयों के साथ स्नेह कर रहे हैं, उनके साथ बराबरी का सम्मान कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। यानी अपने कर्म को यदि आप कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, चाहे उसको कम ही कीजिए, लेकिन अपने फर्ज को यदि आप ईमानदारी से निभा रहे हैं तो आप ईश्वर की सच्ची पूजा कर रहे हैं। बाहर आप खूब भंडारे करिए, लेकिन अगर घर में माँ बाप भूखे हैं तो आपकी इस भंडारे का कोई औचित्य नहीं है, कोई फल नहीं मिलने वाला है। मन में ईर्ष्या कपट भरी हुई है और आप जाकर के ईश्वर की आराधना कीजिए, उसको अगरबत्ती लगाइए, खूब पैसे करिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। चाहे जितना चढ़ावा चढ़ा दीजिए, कोई औचित्य नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं, तो आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है? आपका सबसे बड़ा धर्म है मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करना, ये आपका सबसे बड़ा धर्म है। आप परीक्षा नजदीक आते हैं, मान लेते हैं मन्नत कि ईश्वर हमको पास कर दीजिए, हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, लेकिन क्या बिना कर्म किए आपको फल मिल जाएगा? कदापि नहीं। एक अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देन सेल्फ, यानी ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। यानी अपनी सहायता यदि आप करोगे तो परिस्थितियां ऐसी सहायक हो जाएंगी, ईश्वर भी आपका मदद करेगा। लेकिन जब आप अपने से कुछ नहीं करोगे और सोचोगे कि ईश्वर कर दें, तो ऐसा होगा नहीं। आप करके देख लीजिए, आप मत पढ़िए, और ईश्वर को जितनी भी मन्नत मांगनी हो मांग लीजिए, आप पास होकर दिखाइए। आप ईमानदारी से पास नहीं हो सकते हैं। तो ईश्वर कब आपको सहायता करेगा? जब आप अपने कर्म को करोगे। आप अच्छे से पढ़ाई लगाइए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और फिर ईश्वर से देखिए, ईश्वर आपके ऊपर खुश रहेंगे और आपको अच्छे मार्क से पास करेंगे। तो धर्म क्या है आपका? आप स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे बड़ा धर्म है ईमानदारी से जो है शिक्षा प्राप्त करें। मैं शिक्षक हूं तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि पूरे मनोयोग से मैं विद्यार्थियों को पढ़ाऊं, जितना ज्ञान मेरे अंदर है मैं उसको ईमानदारी से उनको दूं, अपने समय से क्लास लूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं उस ईश्वर की सच्ची उपासना कर रहा हूं। अगर मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं क्लास अटेंड नहीं करने जा रहा हूं, तो आप मानिए कि आप खूब पूजा कर लीजिए, ईश्वर आपसे कभी खुश नहीं रहेगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, मत दिखाइए अगरबत्ती, मत करिए उपासना ईश्वर की। लेकिन यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप ईश्वर की सच्ची पूजा कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा धर्म है। गीता का सार क्या है? गीता का सार कर्म है। तो फ्रेंड्स, मैं आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कर्तव्यों को भूल करके सिर्फ अधिकार के पीछे पड़े हुए हैं। हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। एक बहू कहती है कि हमें अधिकार चाहिए। मतलब कर्तव्य आपका सास के प्रति क्या है वो नहीं आप समझ रहे हो। यदि आप अपनी सास को माँ मान रहे हो, उसके
प्रति जो है ईमानदारी से अपनी माँ के समान उसकी सेवा कर रहे हो तो अधिकार तो अपने आप मिल जाएगा आपको। यदि आप उसको माँ मानोगे तो आपको बेटी मानेगी, यदि आप सास हैं अब बहू बेटी मानेगी तो आपको माँ मानेगी। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों मिले जुले हैं। आप कर्तव्यों का पालन करिए, अधिकार तो आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हम अधिकार के पीछे दौड़ते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, और जब कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो समस्या यही होती है। फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जिस भी पद पर हैं, जिस भी योग्य हैं, आप जो भी हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। मैं शिक्षक हूँ, विश्वास मानिए, मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक जितना हो सके बच्चों को मैं उतना ज्ञान दे सकूँ और अच्छे से दे सकूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे उस योग्य बनाया है। मैं तो बहुत धन्य मानता हूँ परमात्मा की कि मुझे इस पद पर पहुँचाया है कि आज मैं कुछ उन्हें दे सकता हूँ। तो मेरे अंदर जो भी है, जितना भी है, मैं उन्हें देने का पूरा यथासंभव प्रयास करता हूँ, और अपना क्लास भी लेने का बहुत आवश्यकता पड़ गई तो भले ना जा पाऊँ क्लास में, लेकिन मैं अगर स्कूल में हूँ तो अपना क्लास लेने का पूरा प्रयास करता हूँ और ईमानदारी से उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अपने कर्तव्यों को करता हूँ। और आप जिस भी पद पर हैं, यदि आप ईमानदारी से फ्रेंड्स कर रहे हैं कर्तव्यों को, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपने भाइयों का प्यार कर रहे हैं, बहनों के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो आप ईश्वर की सच्ची उपासना कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सारे तीर्थ धर्म आपके बेकार हैं। ये मेरा सोचना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ऐसा ही लगता होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से धर्म क्या है, इस मेरे हिसाब से कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।